पुष्कर सिंह थाबी का मुंबई पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता और मुंबई में रह रही उत्तराखंड प्रवासियों ने स्वागत किया। यहां सीएम धाबी ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया, साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक काम हुए हैं। डबल इंजन की सरकार ने विकास किए हैं, बीजेपी जो कहती है वो करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी है, तब तक कांग्रेस की चार पीढ़ियां भी कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं ला पाएगी। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच परिवारवाद तक ही सीमित है, विपक्ष ने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। जहां आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विकास और समृद्धि की गारंटी वाली यहां महायुति की सरकार है, वहीं दूसरी ओर क्या है कांग्रेस ही जो महाअकाली गैंग है वो केवल किस बात पर बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात है, उनके तुष्टीकरण की बात है, या ये कहिए कि अपने परिवार की बात लोग कर रहे हैं? इन लोगों के सोच में कोई महाराष्ट्र का विकास नहीं है, देश का विकास नहीं है। इनकी सोच में केवल और केवल अपने परिवार तक इनकी सोच सीमित है। और ये महाअघाड़ी गैंग ने जो पिछली बार जो जनता के द्वारा यहां सरकार चुनी गई उसको धोखा देकर लूटा और फिर 2.5 साल तक महाराष्ट्र की जनता को भी लूटने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता को भी धोखे में रखने का काम किया। भाई बहनों, कांग्रेस, एनसीपी और ये शिवसेना वाले, जो नकली शिवसेना वाले, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से आप 370 धारा हटनी चाहिए थी, 370 नहीं हटनी चाहिए। हमारी बहनों, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप ये किसी कीमत पर धारा 370 को वहां लागू नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 370 देश के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धाबी ने 87 करोड़ रुपए की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने राज्य स्तरीय पिटू प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का शुभारंभ भी सीएम धाबी ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष युवा महोत्सव का आयोजन इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम के तहत किया जा रहा है। हमारे युवा नवीनतम तकनीकों को सीखने के साथ ही अपने को विकसित करने में सक्षम होंगे। महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस जैसे नवाचार पर विशेष फोकस किया गया है, जो हमारे खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है, जो सभी के लिए गर्व का विषय है। प्रत्येक वर्ष वो तैयारियां करते थे, सालों साल तैयारियां करते थे, उनके माता पिता अपने खर्चे कम करके, अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को कम करके, उनको बिल्कुल मिनिमाइज करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे, उनकी तैयारियां करवाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आता था तो जो तैयारी करते थे, जिनके अंदर प्रतिभा होती थी, क्षमता होती थी, उनका कहीं कोई चयन में नंबर नहीं आता था। चयन में नंबर उनका आता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, हमने इस प्रथा को तोड़ा है, हमने इस अपराध को समाप्त करने का काम किया है और 100 नकल माफियाओं को आज जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और एक देश का आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारा प्रोत्साहन किया, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो नकल विरोधी कानून है आज वो पूरे देश के अंदर एक आदर्श के रूप में, एक आज उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसके लागू होने के बाद 18,500 युवा नौजवानों को आज पारदर्शिता के आधार पर चयन का अवसर मिला है। अजय जयंती के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामना देती हूं और बेहद खुशी की बात है कि आज ही के दिन से, यानी कि 9 नवंबर से जिस दिन हमारी राजा जयंती है, उसी दिन से युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है, जिसका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों से शुरुआत कर दी है। निश्चित रूप से ये युवा महोत्सव 9 तारीख की शाम से लेकर 14 तारीख तक लगातार संचालित रहेगा। इसमें अधिक से अधिक युवाओं का प्रतिभाग रहेगा, इसमें विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएँ हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं।
हमारे नियोक मंगल दल महिला मंगल दलों का प्रतिभाग है और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े महानुभाव भी यहाँ पर जो है अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके साथ ही बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित करा है, तो एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में 11 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि शाम 5 बजे से हर की पौड़ी पर HRDA द्वारा 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षक शो प्रस्तुत किया जाएगा। ड्रोन शो के बाद दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें नगर निगम और विभिन्न संगठनों के सहयोग से हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। लगभग 3.5 लाख दीपकों से गंगा के घाटों को रोशन किया जाएगा। अधिकारी ने सभी शहरवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपने परिवार पड़ोसियों और मित्रों के साथ इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए घाटों पर पहुंचे और दीप जलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। 11 तारीख को दीपोत्सव का एक बहुत ही बृहद प्रोग्राम हमारे हरिद्वार जनपद में मनाया जाएगा, जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हरकड़ी पैड़ी और इसके आसपास के करीब 52 घाटों में करीब 4,000 स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और काफ़ी सारे लोग मिलाकर करीब 6 से 7 हज़ार आदमी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम है, तो काफ़ी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस के वो लगा दिए गए हैं। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 10 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें करीब हमारा 400 से 500 आदमी हमारा पुलिस का कर्मी रहेगा तैनात। तो वही समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व IAS शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसे राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। ये समिति UCC लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मियों के प्रशिक्षण मार्गदर्शन पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। ये समिति UCC लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के प्रशिक्षण और वेबसाइट मोबाइल ऐप से संबंधित परामर्श व मार्गदर्शन करेगी। इस समय UCC नियमावली विधायी के पास है। तो वहीं सल्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन राजकीय विद्यालय के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुए, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलेरिया, कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत, डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत कार्यक्रम शुभारंभ किया। बता दें कि खो खो में न्याय पंचायत देवालय, कबड्डी में चमकाना भौनखाल व क्वेराला ने बाजी मारी है। तो वही विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत पंतनगर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में ग्वालितम की हंसिका गाड़िया ने अंडर 19 बालिका वर्ग में राज्य स्तर पर चैंपियनशिप हासिल करने में सफलता हासिल की। चैंपियन बनने के बाद अपने गांव पहुंचने पर जगह जगह उनका फूल मालाओं और तिलक लगाकर शानदार स्वागत किया गया। बता दें कि प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, लंबी कूद और त्रिकूट में प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप जीती। साथ ही हंसिका ने 4000 मीटर बालिका वर्ग के रिले रेस में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। हंसिका के चैंपियन बनने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हंसिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को दिया है। तो वहीं लालकुआ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिए जाने को लेकर मंथन किया, जिसमें लालकुआ नगर पंचायत चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक एवं नैनीताल निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने अम्बेडकर पार्क में बैठक आयोजित करते हुए कांग्रेस से चेयरमैन पद की दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशियों से गहन मंथन कर रायशुमारी ली। तो वहीं कांग्रेस के 13 सक्रिय कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर दावेदारी पेश की है। लेकिन मेरी रणनीति कुछ नहीं है, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का आज भी, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की विचारधारा शुरू से आज तक
कांग्रेसी करके रही हो, जो सक्षम भी हो और काम कर सकता हो, जिसके बारे में अधिकांश लोग बताएंगे भी, जीत सकता है और हर स्तर पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे हर क्षेत्र में लोगों से, और ऐसा प्रत्याशी आगे भेजेंगे जो इनको टिकट मिल सके। लालकुआ नगर पालिका के दावेदारों की अभी यहाँ पर हम लोग सूची बना रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हल्द्वानी महानगर की मीटिंग करी, उससे पहले नैताल, भीमताल, भवाली, कालाडूंगी सभी नगर पालिकाओं में जाकर के हमने अपने प्रत्याशी को चयन किया है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसा मानते हैं कि आज देखिए सरकार जो है वो चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे वो किसी प्रकार के चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, वो हर चुनाव को चुनाव से डर रही है। इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि उसने जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है, जनता के हितों से हमेशा उन्होंने एक खेल खेला है और जनता उनसे आज निश्चित रूप से पूरी तरीके से। तो वही रुड़की विकास खंड के किशनपुर के ग्राम प्रधान प्रवीण बानो का निर्वाचन फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार पर निरस्त कर दिया गया। उपजिलाधिकारी की अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुनाया। प्रमाण पत्र अवैध है। याचिकाकर्ता वाजिद अली ने 2022 की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रवीण बानो के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने DPRO और खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि वे तुरंत चार्ज लेकर नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू करें। वहीं अब ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों का भार तत्काल प्रभाव से उप प्रधान को सौंप दिया गया है, जो अगले आदेश तक इन दायित्वों को संभालेंगे। तो वहीं काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उपजिला चिकित्सालय इस समय चिकित्सकों की भारी कमी से जूझ रहा है। यहां बता दें कि इस अस्पताल में डॉक्टर खेमपाल सिंह जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे, इसके साथ ही उनके पास एक अस्पताल का सीएमएस पद भी था, लेकिन वह 4 दिन पूर्व सेवानिवृत्ति हो गए और रेडियोलॉजिस्ट का पद भी खाली हो गया। इस अस्पताल में फिजिशियन लगभग 8 सालों से नहीं है। इसके साथ ही नेत्र विभाग भी चिकित्सक की कमी से धूल फांकता नजर आ रहा है। बता दें कि अस्पताल में कभी 400 से 500 ओपीडी रोज होती थी, लेकिन चिकित्सकों की भारी कमी के चलते अब मात्र ओपीडी 100 तक ही रह गई है। इस अस्पताल में उत्तर प्रदेश के भी लोग अपना इलाज कराने आते थे, लेकिन चिकित्सकों की कमी के चलते लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सीएमएस पद खाली होने के उपरांत अब ये पद बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पुनेठा को कार्यवाहक के रूप में दिया गया है। उनका कहना है कि उनके इस पद को संभालने के बाद पता चला कि यहां पर दवाइयों का काफी टोटा है, जिसको जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। कुछ दवाइयों की कमी है और उसको पूरा करने के लिए अभी हमारे अस्पताल से गाड़ी जाएगी देहरादून स्टोर में, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी, तो जो दवाइयों की जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे। जो जो दवाइयाँ जो एसेंशियल होती हैं और जो ज़रूरी हैं वो सब पूरी की जाएंगी। तो अभी मंडे को जाएगी गाड़ी, तो वहाँ से दवाइयाँ लेके आएगी। एक तो हमारे सामने आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर राणा जो थे उससे पहले आई सर्जन, उनके रिटायरमेंट वो जब उन्होंने BRS लिया था उसके बाद से कोई आई सर्जन आया नहीं है यहाँ पे, साल भर हो गया है। तो हम लोगों ने डिमांड दी है कि आई सर्जन यहाँ पे पोस्ट किया जाए ताकि मरीजों को सुविधा मिले, फैसिलिटी मिले, कैटरेक्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हमने इस बात यदि उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं की है तो हर दिन उसके चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुनकर भी चुप्पी साधे बैठा रहता है। ताजा मामला जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों की ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग व शासन तक कर चुके हैं, लेकिन इन कर्मचारियों पर ना जाने क्यों शासन मेहरबान है। आज भी अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए, जब ग्रामीण लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें ताला लग नजर आया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर, फार्मासिस्ट गायब रहते हैं। इनकी शिकायत पहले भी वे कर चुके हैं, लेकिन विभाग न जाने इन पर क्यों मेहरबान है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहां हुआ है, और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहां पहुंचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहां
सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो दो दो के रोटेशन पे वहां पे चलते हैं। अगर वहां डॉक्टर होगा तो वहां स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहां चलता है। तो वहीं रामदास संयुक्त चिकित्सालय जब से पीपीपी मोड पर गया तब से यहां लगातार इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार लापरवाही को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। ऊर्ध्वजा राज्य मंत्री पुष्कर दुर्गापाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि रामनगर में रामदास जोशी संयुक्त चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटाए जाने को लेकर क्षेत्र जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों सहित संघर्ष समिति ने कई बार धरना प्रदर्शन किया। बारे में क्या कहना है, तो रामनगर के आवाम ने कई बार इसमें धरने प्रदर्शन किए हैं, संघर्ष समिति ने इसके लिए धरने प्रदर्शन दिए हैं। हम लोगों ने अपने राज्य आंदोलन की जो पेंशन हमें मिलती है वो भी यहाँ इस आंदोलन में अपनी हमने दी है, और अभी इतनी बड़ी घटना हुई जिससे सारे लोगों के कलेजे हिल गए। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री से गंभीरता से अपनी बात को रखा कि इसे पीपीपी मोड से हटाया जाए। उन्होंने गंभीरता से सुना और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस पर रिएक्शन किया है। कल स्वास्थ्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, लेकिन हम उनको बधाई तब देंगे जिस दिन ये वास्तविक रूप से पीपीपी मोड से हॉस्पिटल हट जाएगा। वहीं लक्सर में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो जा रहा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड पड़ने के कारण लोगों में बुखार, खांसी, जुकाम और उल्टी जैसी बीमारियां फैल रही हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार अस्पतालों में मरीजों की जो संख्या है पड़ने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही समय समय पर फॉगिंग भी की जा रही है। लक्सर में लगातार बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक किसी भी मरीज में डेंगू के लक्षण की पुष्टि नहीं की है। खबर लालकुआ से है जहां लाइन पार संजय नगर कॉलोनी और 25 एकड़ कॉलोनी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को फाउंडेशन द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही कैंप में खून जांच के पश्चात निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति को जागरूक किया गया। इस दौरान हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां भी दी गई। हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा लगाया गया है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को एक स्वास्थ्य सेवाएं देना है, क्योंकि लोग एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक नहीं है, उनके गली मोहल्ले पे जाके उनके गाँव पे जाके हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। और जितना भी हमारे इस एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार है, टेस्ट है, जो भी चीजें हैं वो व्यवस्था उन लोगों को हम देने का प्रयास कर रहे हैं। खबर रानीखेत से है जहां पीएमजीएस राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा धाबी सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा धाबी सरकार के नेतृत्व में मुख्य मार्ग को गढ़ा मुक्त किया जाएगा। प्रदेश की धाबी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। उत्तराखंड में बरसात के कारण कई स्थान में सड़कें खराब हो जाती हैं। लोक निर्माण विभाग एनएच प्रधानमंत्री सड़क योजना सहित मुख्य मार्ग प्राइवेट सड़कों में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा मेरा वादा है कि 15 नवंबर से पहले कच्चा युक्त का कार्य पूर्ण हो जाएगा। खत्म हुई है बरसात के बाद। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी, यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे NH के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं।
वहीं हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खैर के हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया। देर रात मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पथरी रेंज में दबिश दी, जहां तस्कर खैर के पेड़ काटते हुए पाए गए। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर चार वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए हैं, साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त किए गए हैं। वन विभाग ने संबंधित धाराओं में तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि वन संपदा की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अभियान भविष्य में जारी रहेंगे। उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और चार लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन चार लोगों में से जो दो अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और दो हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। तो देखिए खैर बहुत ही एक मूल्यवान लकड़ी है और लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल के हिसाब से इसको जो है जो इसका व्यावसायिक उपयोग है उसमें कत्थे बनाने के लिए किया जाता है। और पूर्व में हमारे यहाँ लक्सर में दो घटनाएं हुई थी, हमारा रेंज केस नंबर 17 और रेंज केस नंबर 24। तो वहीं खबर रुड़की से है, जहां देर रात एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर आग लगी, रुड़की की एक खबर है जहां पर एक दुकान में भीषण आग लग गई और ये भी बताया जा रहा है कि लाखों का सामान रखा था उस दुकान में, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच की जा रही है। जब आग लगी थी तभी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई और आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगी थी तो आसपास इलाके में किस तरीके से हड़कंप मच गया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी के द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए गए, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धाबी के आदेशों का पालन करते हुए नजर नहीं आया। वहीं बता दें आपको, भतरौज खान से भिकिया शैन तक जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इस मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण सहित बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। ये विभागीय लापरवाही है, जिसमें विभाग ने एक किस्म से कह लीजिए जो है खोखले वादे किए हैं। लोक निर्माण विभाग रानीखेत की ये सड़क है भतरौज खान में, जो पूरे भतरौज खान से लेके भिक्यासैन वाली रोड है और उसमें आप गड्ढे देख सकते हैं। इस तरीके से हैं कि लोक निर्माण विभाग को कई प्रकार से शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पे, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन पे, लिखित में, व्हाट्सएप पे शिकायतें कर दी गई हैं कि ये गड्ढे जो हैं अभी भी भरे नहीं गए हैं, इससे गाड़ियों को चलने में, आवाजाही करने में लोगों को कई प्रकार की परेशानियाँ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग अपनी कमीशनखोरी के चलते इस पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी के गड्ढा मुक्त अभियान वाला जो सपना है उस पर दुश्वारियां लगा रहा है, उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहा है। ना ही विभागीय कर्मचारी किसी आम आदमी की सुन रहा है आज के दिन, ना ही उन्हें गड्ढा मुक्त अभियान से कोई लेना देना है।